Good evening, friends. I'm Dr. Biren Nadkarni, consultant orthopedic and joint replacement surgeon. I'm practicing at Sitaram Bhartiya and Holy Family Hospitals, and also do a clinic at Joint and Bone Solutions at Hoskas. Mrs. Manjulika Moitra, I had seen her last year in April, and she had come to me with severe knee pain. She had taken all possible treatments for her knee pain, and when she could not find relief for her, I advised her bilateral total knee replacements, which she was comfortable with, and we went ahead with the plan of bilateral total knee replacements. Her surgery went very fine. She was made to stand about 2 days after surgery, and she could take a few steps, which she was comfortable with. Gradually, with every day in the hospital, her steps and her walking improved, and she also started having good control of her muscles. She was discharged about 5th day of surgery, and she carried on at home with some physiotherapy. I saw her again at about 6 weeks of surgery, and she had done really well and was actually improving with her post-op protocol. When I last saw her at her follow-up, she was doing exceedingly fine and was very satisfied with the outcome of her surgery. I always tell my patients not to suffer with knee pain, to take an early call, and if other standard treatments are not yielding enough results, knee replacement is a satisfactory and a known way for getting pain relief from knee arthritis. मेरा नाम मंजुलिका मोइत्रा है. मैं 67 इयर्स की हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ. घुटने की परेशानी मेरी काफ़ी सालों से है, करीब 7-8 साल से है, और इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी है. डेली का काम बहुत दिक्कत होती थी, उठने बैठने में, चलने फिरने में. ज़्यादातर खड़े नहीं हो सकते थे. साथ में कई बार ऐसा होता था, 2 कदम चले हैं फिर वहीं रुक गए हैं, आगे बढ़ नहीं पाए हैं. तो ऐसे डेली लाइफ में तो बहुत दिक्कत होती थी. मेरे इस घुटने की समस्या के लिए मैं कई जगह पे गई हूँ. सफदरजंग हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ पे खैर उन्होंने बोला था कि अभी जब तक अपना है तब तक चलाओ. फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत कुछ दिया था, काफ़ी आराम भी मिला था. ऐसा नहीं था बिल्कुल आराम नहीं था, काफ़ी आराम भी मिला था. उसके बाद फिर वही बढ़ता गया. फिर नेचुरोपैथी भी किया, उसमें काफ़ी आराम मिला. उससे मैंने 5-6 साल निकाल दिए बिना ऑपरेशन के, बिना दर्द के, काफ़ी अच्छा रहा. उसके बाद फिर शुरू हो गया. मैं घुटने के लिए फिजियोथेरेपी के पास गई थी. वहाँ पे डॉक्टर राहुल सतीजा मिले हैं. उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बार आप दिखा लो उनको, डॉक्टर नादकर्णी को दिखा लो. तो उनके कहने पे ही हम डॉक्टर नादकर्णी के पास गए हैं, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कैसे अब जो सिचुएशन है वो ऑपरेशन के लायक है, बगैर ऑपरेशन के नहीं होगा. तब हमें लगा कि नहीं, अब उनकी बात पर ही विश्वास करना चाहिए. हमें अच्छा लगा उनकी बात सुन के. हमें काफ़ी फील हुआ कि नहीं, इनके यहाँ रहेंगे तो बेटर ट्रीटमेंट होगा. सर्जरी के 3rd डे में ही वहाँ हॉस्पिटल में ही खड़ा करवा दिया था. वॉकर के साथ 2-4 कदम चले भी थे वहाँ पे. उसके बाद धीरे धीरे डेली चलना शुरू किया था. फिर 5th डे तो डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं. घर पर भी आके काफ़ी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज दी थी, सारे एक्सरसाइज करते थे, प्लस वॉकिंग था. थोड़ा थोड़ा करके डेली वॉकिंग बढ़ाते गए हैं, और फिर करीब वन मंथ तक काफ़ी हद तक अच्छा प्रोग्रेस होता रहा है. मतलब हम वॉकिंग भी करते थे, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते थे, पर हाँ उतना ही, इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे. सर्जरी के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं दर्द से बहुत परेशान थी. वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपना हर काम बड़े आराम से कर सकती हूँ. कहीं कोई रुकावट नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत है, ना मेरा कोई काम अटकता है. वॉकिंग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर का कामकाज, कहीं जाना आना कहीं भी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है. बड़े अच्छे से घूम के आ सकते. हम वृंदावन भी होके आए हैं, पर वहाँ पर हम स्टिक लेके गए थे, पर कोई दिक्कत नहीं हुई है. स्टिक के साथ हम सीढ़ियाँ भी चढ़े हैं, और मंदिर दर्शन भी किया है, और फिर वहाँ से वापस आ गए हैं. उसके बाद फिर हम गए हैं भुवनेश्वर, पुरी दर्शन करने. वहाँ भी अच्छी तरह से वॉक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं किसी का हेल्प भी नहीं लिया है, अपने आप ही वॉक करके गए हैं वहाँ पर. उसके बाद हम मार्च में फिर US भी गए हैं, US टेक्सस में गए हैं. 3 महीने का वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ पे घूम के आए हैं. वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं लिया, ना स्टिक ना वॉकर, कुछ भी नहीं लिया, अपने आप ही चल के गए हैं. और किसी भी एयरपोर्ट में भी कहीं भी कोई हेल्प नहीं लिया है, अपने आप चल के गए हैं. कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसीलिए कि मैं ऑपरेशन करवा के गई थी. ऑपरेशन के नाम से ही बहुत लोग डरते हैं, पर मेरा कहना है बिल्कुल मत डरिए. आप प्लीज़ अपनी तकलीफ़ को
लुकआउट करिए और देखिए और उससे आप निजात पाने के लिए प्लीज़ आप जाइए डॉक्टर के पास, इसका पूरा इलाज करवाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, बड़े आराम से आप ऑपरेशन करा के वापस अपनी ज़िंदगी में अपने वही काम आप कर सकते हैं जो आपके काम रुके हुए हैं, स्पेशली घुटने की वजह से जितने भी काम आपके रुके हुए हैं वो आराम से काम आप कर सकती हैं ऑपरेशन के बाद। नी रिप्लेसमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी, जितनी परेशानी आपने पहले उठाई है उसमें कुछ नहीं रहेगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। डॉक्टर नाटकर्णी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी, उनका नेचर, उनका स्वभाव पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छा है और इतना ही अपनापन है उनमें जिसके लिए हम उन पर भरोसा करते हैं और उनसे ऑपरेशन कराने के लिए। मैं सबको बोलूँगी उनसे उनके पास जाने के लिए, उन बहुत अच्छा हाथ है उनका, बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और इसके लिए मैं डॉक्टर नाटकर्णी को बहुत दिल से मैं उनको धन्यवाद कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छी तरह से केयर किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, ना कोई कॉम्प्लिकेशन था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ उनके पास जाके ऑपरेशन कराने में।